गाइस, आज 8 जैन 2019 है और आज का पहला एडिटोरियल है फ्रेम्स ऑफ चेंज। द गोल्डन ग्लोब सेलिब्रेटेड डाइवर्सिटी, द बिगेस्ट विनर वॉज नेटफ्लिक्स। तो गोल्डन ग्लोब्स ने एक तरह का वो सेलिब्रेट किया है, एक तरह का आप कह सकते हो कि सेलिब्रेशन टाइप किया है, जिसमें नेटफ्लिक्स को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा वोट मिले और नेटफ्लिक्स ही जीता है। ठीक है, ये है क्या, अ ईयर आफ्टर मी टू के बाद डेजल रिटर्न टू द गोल्डन ग्लोब्स ऑन संडे। ठीक है, पॉलिटिक्स वर लार्जली, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। मेनली बात यह है कि नेटफ्लिक्स ही नेटफ्लिक्स छाए रहा है पूरे साल भर। ठीक है, चाहे वो हॉलीवुड की सीरीज़ हो नेटफ्लिक्स पे, चाहे इंडियन सीरीज़ हो, वेब सीरीज़, तो वही छाई हुई है। ठीक है, तो जो अवार्ड हुआ था, ये अवार्ड सेशन गोल्डन ग्लोब्स का, उसमें काफ़ी यो के दिल टूटे, काफ़ी सोच रहे थे कि नए नए वो जीतेंगे, मतलब नई नई और भी चीज़ जीतेंगी, लेकिन नेटफ्लिक्स ही सबसे ज़्यादा जीता है। ठीक है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ ही सबसे ज़्यादा जीती है, तो यही सब इसमें आंसर है। बाकी सब आपको बस विनर याद रखना है और उसके अलावा बाकी सब कोई ज़रूरी नहीं। द 10% आंसर, अब ये क्या है, इन अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी गवर्नमेंट मूव फॉर अपर कास्ट कोटास ब्लर्स इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शंस ओपन न्यू फॉल्टीनेस। तो इसमें है क्या कि आपको भी पता होगा कि लोकसभा में 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए मांग की गई है कि भाई 10%। अब ये सबको पता है कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट है और मतलब चुनाव से पहले का। ठीक है, तो बेशक ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन ये कई मायनों में सही भी है और कई मायनों में गलत भी है। तो सही किन मायनों में, कि वही एक लाइन होती है ना कि हर ब्राह्मण अमीर नहीं होता और हर आप कह सकते हो कि शूद्र या फिर जो भी लोअर कास्ट जिनको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बट हर हरिजन भी गरीब नहीं होता। मतलब वही बात ना कि हर STSC गरीब नहीं होता और हर जनरल कैटेगरी का इंसान अमीर नहीं होता। तो इसीलिए तो 10% अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ठीक है, या EWS स्कीम जो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनको मिलना चाहिए। ऐसा कई लोगों का मानना है और ऐसा कई लोगों का नहीं भी मानना है। जैसे राइटर ने तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो रिजर्वेशन है ना, ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मतलब बेसिकली कुछ लोगों के लिए, तो जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको उठाने के लिए ये सही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लोग नीचे नहीं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, मेरा नहीं दबे हुए और उनको ऊपर, उनके रिजर्वेशन थोड़ा गलत है, बायस किस्म का है। रिजर्वेशन एक्चुअल में मिलना चाहिए उनको, जो उनको आज भी उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा, और बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट भी हो गया एक तरफ। ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं, यही है अपना अपना नज़रिया है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इवन इफ देर इज़ नॉट फ्रेंडशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया, देर शुड नॉट बी एनिमोसिटी। इसमें बात हो रही है कि गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में अगर दोस्ती नहीं है तो कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए, कोई मनमुटाव भी नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए। आपको पता है कि मीडिया है वो फोर्थ विंग है या फोर्थ पिलर है इंडिया का, भारत का। हालांकि जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो सबसे बिगड़ा हुआ पिलर भी वही है, क्योंकि मीडिया में आजकल वही है, फेक न्यूज़ का दौर है। सोशल मीडिया हो चाहे नॉर्मल मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह मतलब सही न्यूज़ तो कहीं दिखी नहीं है। मैं पर्सनली सिर्फ 2 चैनल्स देखता हूँ, राज्यसभा TV और लोकसभा TV, बाकी मुझे कोई और ऐसा न्यूज़ चैनल लगता ही नहीं है जो कोई अनबायस्ड खबरें जो देता होगा, सारी बायस्ड है, कोई किसी के पक्ष में होगा, कोई किसी के पक्ष में होगा। सो बेसिकली, और वो इतने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आज इस मंत्री ने छींक दिया, आज इस मंत्री की भैंस चोरी हो गई, ये सब कौन दिखाता है, ये मीडिया दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी मतलब बर्बाद हो चुकी है, बदनाम हो चुकी है। 10% मीडिया पर्सन अच्छे होंगे, बट 90% मीडिया इज लाइक हेल। ठीक है, उन्होंने दुनिया को हेल सा बना दिया है और अपने प्रोफेशन से भी गद्दारी करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर वो बात आ रही है कि जो भी आप करो, मतलब गवर्नमेंट करे, वो मीडिया के साथ मतलब मीडिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए, अनलेस एंटिल उसमें कुछ फॉल्ट हो तो उसको क्रिटिसाइज़ करो, बट ऐसे नहीं कि आप पूरी गवर्नमेंट को कह दो कि आप तो अच्छा नहीं कर रहे थे। अरे, छोटी मोटी गलतियां हर गवर्नमेंट से होती हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और उसको सही से समझाना चाहिए कि यू शुड नॉट डू दिस अगेन, है ना। तो इस तरीके से तो
जो भी डेमोक्रेसी के अंदर यही बात कही गई है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और जो भी काम गवर्नमेंट कर रही है वो मीडिया को पता होना चाहिए, और दोनों के बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन पेज में क्या है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आवर अमेंडमेंट सीक टू चेंज द लॉ ऑन आधार। तो आधार के ऊपर क्या चीज़ आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 26 सितंबर को, जिसने आधार को लिमिटेड यूज़ तक रख दिया था, यानी कि अगर मर्जी है, मतलब आधार जैसे कोई कुछ लोग होते हैं उनकी मर्जी है, अगर आधार का यूज़ कहीं करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें, वर्डिक्ट था बेसिकली। लोकसभा ने को एक आधार पे एक बिल पास किया है, अदर लॉज अमेंडमेंट 2018, उसमें लॉज आधार के जो लॉज ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो भी है, ठीक है, इसका UIDAI ओके इसका जो मतलब आप कह सकते हो कि इस बिल में क्या था, 27 सेक्शंस को ऑफ द 3 एग्जिस्टिंग लॉज उसको अमेंड करने की बात हो रही है, जिसमें आता है आपका आधार, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो द चेंजेस फॉलो द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑफ सितंबर 26 विच अपहेल्ड आधार बट लिमिटेड इट्स यूज़। तो इसमें उसके यूज़ को लिमिट कर दिया गया है, और सॉरी अमेंडमेंट सीक टू सरकमवेंट सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द कोर्ट। तो उसको सरकम मतलब उसको चेंज बात हो रही है, जो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया कोर्ट ने, ठीक है, उसको चेंज करने की बात हो रही है, मतलब उसका थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में बिल जा रहा है। तो वही सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अब आधार फॉर ऑथेंटिफिकेशन, हमें पता ही है आधार का क्या यूज़ है ऑथेंटिफिकेशन, मैं सेक्शन 7 में मेंशनड है आधार एक्ट में कि ये जो है आधार का जो आधार बेस्ड जो ऑथेंटिफिकेशन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, नो योर कस्टमर एक आपका होता है बैंक में, ठीक है, तो उसके लिए भी ये कहा गया कि अब वो चीज़ वॉलंटरीली पर्सन के ऊपर है कि वो KYC डॉक्यूमेंट में आधार को यूज़ करें या ना करें। ठीक है, कंपनीज के लिए भी ये अपना ही हो गया निजी, ठीक है, ऐसा तो ये तो चीज़ सुप्रीम कोर्ट की थी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, आधार फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए तो अब वही मुहिम चलाई जा रही है कि 5 और 15 साल के बच्चों अपना जो आधार का बायोमेट्रिक है उसको चेंज कराएं, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, और चिल्ड्रंस के लिए आधार की भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी एनरोलमेंट होती है पेरेंट्स और गार्जियंस द्वारा चिल्ड्रन के लिए, जहाँ पर आधार की ज़रूरत पड़ती है और वो इजीली अपने राइट्स को अचीव कर पाते हैं। कंप्लेंट्स एंड पेनल्टीज, तो ओरिजिनल एक्ट डिड नॉट, तो जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कोर्ट्स को कंप्लेंट फाइल्ड बाय इंडिविजुअल्स जो की गई है, इंडिविजुअल द्वारा कंप्लेंट फाइल उसको एक्सेप्ट करने की परमिटी नहीं है, परमिटिविटी नहीं है, और UIDAI और ऑफिसर्स ऑथोराइज्ड बाय इट टू मेक कंप्लेंट्स, और सिर्फ उन्हीं को कंप्लेंट बनाने की या कंप्लेंट देने की वो है, मतलब अथॉरिटी है अगर कोई भी वायलेशन होता है तो। ठीक है, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन वॉलंटरी यूज़, तो अब वही है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी ही होगा, और अब यूज़ उसका वॉलंटरी हो जाएगा, जहाँ वो दिखाना चाहेंगे वहीं यूज़ करेंगे, अगर वहाँ पर सिर्फ आधार का ऑप्शन है उनके पास आधार नहीं है तो आप उनको मतलब हटा नहीं सकते हो, बस कुछ स्पेसिफिक जगह को छोड़ के। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन जो है आधार का, वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के आधार पे ही काम करता है, जब वो पॉजिटिव मैच करेगा तभी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिकवरी में वो दिखेगी। अब जो वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन भी हो पाएगी, ठीक है, यूजिंग अ डिजिटली साइंड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, ठीक है, और QR कोड से, और बट डज नॉट हैव अ हैव द बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एंड नीड नॉट इंक्लूड द आधार नंबर, तो उसमें आधार नंबर की अब जरूरत पड़ेगी, यही चीज़ में बताई गई। अदर अमेंडमेंट्स जैसे कि जहाँ पर भी रेवेन्यू UIDAI डिपॉजिट्स वट एवर रेवेन्यू इट कलेक्ट्स, वो सारा डिपॉजिट कहाँ करेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो दो तरह के फंड होते हैं, एक तो होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, तो वो जो भी है कंसोलिडेटेड फंड जो आपका एक जगह एकत्रित तो रखा है, संयुक्त तो, मतलब आप कह सकते हो जोड़ रखा है, उस फंड में सारा जाएगा। द अमेंडमेंट्स क्रिएट अ UIDAI फंड
ठीक है, एक ऐसा फंड क्रिएट करेगा और इसमें विल नाउ रिसीव इट्स रेवेन्यू फ्रॉम फीस ग्रांट्स एंड चार्जेस, द रेवेन्यू विल बी यूज फॉर UIDAI एक्सपेंसेस। वो वही कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख लेना। एक लास्ट है कि ओमिटिंग सेक्शन 57 ऑफ द आधार एक्ट रिलेटिंग टू यूज ऑफ आधार बाय प्राइवेट एंटिटीज विच वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फास्ट चेक, एक डायनासोर के बारे में पता चला है, डायनासोर इन इंडिया की ए वेरी ओल्ड स्टोरी वॉज टोल्ड इन 1828। तो इंडिया एक हॉटस्पॉट था डायनासोर के इवोल्यूशन का, ठीक है, और ब्रीडिंग का भी फॉर एक्सटिंक्शन। और एक डायनासोर का नाम है राजा सोरस, जो कि इंडिया से ओरिजिनेट है। अब राजा सोरस आपको पता है कि ये साउथ इंडियन नेम है थोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन ही नेम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट हैं आशु खोसला, उन्होंने संडे को कहा कि लॉर्ड ब्रह्मा जो थे वो कम्प्लीटली अवेयर थे एग्जिस्टेंस ऑफ डायनासोर्स के, मेंशनड इन वेदास, और उनको उन्होंने वेद में भी मेंशन किया है। लॉर्ड ब्रह्मा ने डायनासोर की एग्जिस्टेंस को डिस्कवर किया है इंडिया, मतलब उन्होंने ही बनाया है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया एक हॉटस्पॉट था डायनासोर का, और राजासोरस मिला है, मतलब ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में ही। और वेटरन बहुत ही अनुभवी जियोलॉजिस्ट है अशोक साहनी, उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि डायनासोर हैव बीन स्टडीड इन इंडिया फॉर ओवर 175 ईयर्स इन थ्री डिस्टिंक्ट फेजेस, द फर्स्ट लास्टिंग अबाउट 100 ईयर्स अंटिल 1935, द सेकेंड क्वार्टर फेज दैट एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। तो 20 साल ये सब फेजेस में इनकी वो चले हैं, आप कह सकते हो कि स्टडी किया गया है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायनासोरस के नाम है जैसे क्रेटेसियस, ठीक है, एंड हाँ यहाँ पर ये टाइम पीरियड दे रखा है। डायनासोर रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन ओवर द ईयर्स इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पे मिलते रहे उनके अवशेष वगैरह, फॉसिल वगैरह। ठीक है, डायनासोर की जो बोन्स है वो 1828 में सबसे पहले इंडिया में डिस्कवर की गई थी कैप्टन विलियम एच स्लीमेन द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी का इंसान था, मतलब आर्मी में था वो। बस बाकी इसमें और कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर डायनो नोटबुक है जिसमें काफ़ी तरह के डायनासोरस के बारे में बताया गया है। तो साइट्स ऑफ डायनासोरस बोन्स देख लो आप, ये सारी के सारी जगह कोटा राजस्थान में, एक कच्छ में अंजर, बलिसनोर, कुंवर बेल्ट आइलैंड, तो ये सब इन जगहों पर, गोदावरी रिवर के पास, नर्मदा, ठीक है, डोंगर गाँव, तो ये सारी के सारी जगहों पर आप ये देख रहे हो जहाँ पे ये, तो ये डायनासोर इतनी इतनी जगह पर आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मतलब इनके अवशेष मिले थे, हड्डियाँ मिली थी। बिगेस्ट कौन सा था? बारपासोरस टैगोरोई, ये 4 मीटर लंबा, मतलब टॉल, और मेजर्ड 24 मीटर इसकी लेंथ थी, और बोन की स्पेसिमेंस वर अनअर्थ बिटवीन, मतलब मिली थी 1958 से 1961 तक। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे बड़ा इंडियन डायनासोर है। ठीक है, इसी सोरस टिटारोसोरस कोलबर्टी, तो ये भी फाउंड किया गया था नियर वर्धा। ठीक है, और ये बिगर देन हो सकता था बारपासोरस से टैगोरोई, वंस द फुल स्केल्टन कैन बी पुट टुगेदर, अभी पूरा स्केल्टन इसका नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि सबसे बड़ा हो, लेकिन अभी जिसका मिला है वो है बारपासोरस द फर्स्टेस्ट। ठीक है, ये टायरेनोसोरस रेक्स मोस्ट स्टोरीड ऑफ ऑल डायनासोर्स एंड कंसिडर्ड द मोस्ट फियरसम ईटिंग मशीन टू हैव इवॉल्व, सबसे ज़्यादा खतरनाक ये माना जाता था, इसके ऊपर काफ़ी मूवीज भी बनी है। फर्स्ट डिस्कवर्ड, जो सबसे पहला डिस्कवर था वो कौन था, वो डिस्कवर किया था मेज जन विलियम हेनरी स्लीमेन, अभी आपको ऊपर बताया था मेजर जनरल। ठीक है, सॉरी, उसके बाद वो कैप्टन था किसमें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी में 1828 में, पीछे हमने पढ़ा ही है उसके बारे में। तो ये पहला बोन उसी ने डिस्कवर किया था, और ये आर्टिकल किसने लिखा है, अशोक साहनी, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, ये सोर्स कहाँ से पता चला है, डायनासोर्स ऑफ इंडिया अशोक साहनी द्वारा लिखी गई बुक है उसमें से पता चला है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर, एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट आधार, क्रिटिकली एनालाइज द टर्म रिजर्वेशन। ठीक है, चले मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जय हिंद।